हरिद्वार जा रहा है भाई घूमने के लिए, और ये सब अपने अयोध्या के ही हैं। और इस साइड आप चेक करोगे जो जनरल का कोच, देखो किस तरीके की कंडीशन, कितनी तगड़ी ख़राब चल रही है। ये आप देखो, ये चेक करो गाइस किस तरीके से लग रहा है कि यहाँ पे रिजर्वेशन करा के आए हुए हैं ये लोग। जय श्री राम। मैं पहुँचा तो अयोध्या से, और आज हमारी जो न्यू ट्रिप है वो बनारस की है, जैसा कि आप जानते ही हैं। और मैं काफ़ी पहले आपको स्टोरी पे मैंने अपडेट भी दिया था कि बनारस का जो ट्रिप है वो आने वाली है। तो अभी इस टाइम जो हो रहे हैं वो तकरीबन 10 बज रहे हैं, और अभी हम अयोध्या के जंक्शन में खड़े हैं। और पीछे आप देखोगे तो नया वाला जो रेलवे स्टेशन है, जो कि मैं बहुत सारी वीडियोस दिखाता रहता हूँ आपको इस साइड में। तो अभी हमारे साथ अतुल भाई हैं, और अतुल भाई भी हमारे साथ जो बनारस की ट्रिप कर रहे हैं। यात्रियों के प्यारे आने बस से आने वाली ट्रेन अभी लेट है, गोमती नगर से चलकर। और हमारे साथ विशाल भाई भी ट्रिप कर रहे हैं बनारस की। तो तीनों लोग ट्रिप कर रहे हैं बनारस की, तो आप लोग जानते ही हैं अतुल भाई और हमको छोड़ने आए हैं आकाश भाई, और आकाश भाई को भी आप जानते ही होंगे। और आकाश भाई नगर से चलकर, तो आकाश भाई इतनी रात में कष्ट देकर हमको छोड़ने आए हैं, और उनके साथ हमारे भाई भी डांगर भाई भी हैं, बाकी हम भी छोड़ने आए हैं। और मुझे छोड़ने के बाद भाई, मुझे छोड़ने के बाद ये लोग भाई एंजॉय करने वाले हैं जाके नया घाट पे। ये लोग चाय पियेंगे और चाय और सोमरस पर आ रही है। क्या क्या पियोगे? सोमरस, सोमरस, सोमरस क्या होता है? सूरा, सूरा। तो भाई और आगे मिलते हैं आपसे, और आपको जंक्शन भी थोड़ा सा दिखाते हैं नाइट व्यू। गाइस तो अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पे, हमारी ट्रेन आने वाली है और काफ़ी लेट भी है, और 12 बजे की ये थी समथिंग और आ रही है 1 बजे, तो बहुत ही टाइम लग रहा है। और ये जो ब्लॉग है ये कंटिन्यू बनारस जंक्शन तक, यानी बनारस रेलवे स्टेशन तक ये चलेगा, तो बने रहिएगा कंटिन्यू, आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली है। और इस साइड आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से सब सोए हुए हैं, और आपको मैं इधर दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, ये आप चेक करो प्लेटफॉर्म पर अपने देखेंगे ना किस तरीके से सब लोग सोए हुए हैं। इधर साइड में उधर पार्किंग में देखिए किस तरीके से सोए हुए हैं, और इधर सभी मालगाड़ी खड़ी है, और जो मेरी गाड़ी आने वाली है प्लेटफॉर्म एक पे आएगी। इसमें जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे तकरीबन सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म है अयोध्या जंक्शन में, जो कि एक ये है और 2, और उसके अपोजिट 3 प्लेटफॉर्म है। आने वाले टाइम पे 4 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म का निर्माण और भी होगा अयोध्या जंक्शन में। और भी आपको इस साइड दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से जो यात्री लोग हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी हैं, और इस साइड का भी जो रेलवे स्टेशन है वो भी हम आपको दिखाते हैं, इधर प्लेटफॉर्म वगैरह दिखाते हैं। इस साइड देखिए, और भाई हमारे पीछे देखोगे ना तो इस साइड प्लेटफॉर्म नंबर एक पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और जो सेकंड है उस पर बहुत ही कम है, और अभी मालगाड़ी सिर्फ खड़ी हुई है, और हम लोग की जो ट्रेन है तो बहुत लेट में अभी है, और यहाँ पे अभी पैसेंजर वाली कोई ट्रेन नहीं आ रही है, और तकरीबन 11 बज चुकी हैं, अभी देखते हैं कब तक आती है। और अतुल भाई लोग यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं इधर साइड में, उनको भी हम दिखाते हैं। इधर साइड देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि तीनों जो है वो यूट्यूबर हैं। ये है भाई, इनका देखो भाई, ये देखो किस तरीके से जो वीडियो शूट कर रहा है भाई, इनका अंदाज आप चेक करो, ये बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो शूट करते हैं। इनका ब्लॉग देखने में तो कम मज़ा आएगा, बट ये शूट करते तो ज़्यादा मज़ा आती है देखने में। तो भाई हम आ गए अपने प्लेटफॉर्म नंबर एक पे, और ये प्लेटफॉर्म नंबर एक है, और यहाँ की कंडीशन आप देखोगे ना काफ़ी ख़तरनाक लग रही है, आपको हम दिखाते हैं। बट जिस कंडीशन में इस तरीके से अभी जो दिख रहा है, बट आने वाले टाइम पे ऐसा नहीं दिखेगा, जो नया वाला जो जंक्शन तैयार हुआ है उसमें इस तरीके से कंडीशन नहीं मिलेगी। तो चलिए आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं। तो आप इधर साइड आप देखोगे कंडीशन, आप चेक करो सर, आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये आप देखो किस तरीके से लेटे हुए हैं इधर साइड में, और जो प्लेटफॉर्म नंबर ये एक है इस साइड में, आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से कैंटीन वगैरह भी है। और ये साइड आप चेक करो किस तरीके से ये कंडीशन बनी हुई है, और जो नया वाला जो जंक्शन है वहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, और जो मेन एंट्री है यहीं से होती है। इधर साइड आप देखो कंडीशन, आप चेक करो ये प्लेटफॉर्म नंबर एक, ये देखो किस तरीके से जो सब लोग पड़े हुए हैं। अब
हम लोग को ट्रेन जो है वो मिल चुकी है, बट ये चीज़ है कि यहाँ पर जो जनरल हम लोगों ने अचानक प्लानिंग बनाई थी, ट्रिप बनाई थी जो बनारस की, बट जनरल टिकट मैंने लिया था और यहाँ पर सीट की भाई गर्मी में हालत ख़राब पड़ी हुई है। आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ जनरल जो कोच है वो कितना भयंकर है और क्या कंडीशन है रात के टाइम का। तो भाई जनरल कोच का देखो कंडीशन कितनी ख़राब है, इस साइड चेक करो, ये देखो ये सब बनारस जा रहा है भाई घूमने के लिए और ये सब अपने अयोध्या के ही हैं। और इस साइड आप चेक करोगे जो जनरल का कोच, देखो किस तरीके की कंडीशन कितनी तगड़ी ख़राब चल रही है, ये आप देखो, ये चेक करो गाइस किस तरीके से जैसे लग रहा कि यहाँ पर रिजर्वेशन करा के आए हुए हैं ये लोग और यहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं। इधर साइड इनकी नींद पूरी रात अभी ख़त्म नहीं हुई है, ऊपर आप देखेंगे अतुल भाई भी पूरे तगड़े नींद लिए हैं और अभी जाके उठे हैं, अभी तो पहुंचने वाले हैं बनारस की तरफ और आपको दिखाते हैं बनारस। और अभी हम रेलवे स्टेशन में हैं बनारस के और बाहर निकल के आपको हम दिखाते हैं। और इधर साइड आप देखोगे प्लेटफॉर्म, काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, अभी ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहे हैं रेलवे स्टेशन के, अभी काफ़ी ज़्यादा विकसित भी हो रही है। और इसके बाद बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे दिखता है बाहर से ये बनारस का रेलवे स्टेशन। इस आपको हम दिखाते हैं इंटरफेस हमारे बनारस का जो रेलवे स्टेशन है, इस साइड आप देखेंगे ये है सेंटर में आपको दिख जा रहा है इंटरफेस, ये बनारस का रेलवे स्टेशन है, आपको हम दिखाते हैं पूरा। तो ये देखिए ये है बनारस और हम पहुंच गए हैं बनारस रेलवे स्टेशन, ये वाराणसी जो लिखा हुआ है यही है मेन, आप हर जगह यही देखते होंगे। और यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑटो वगैरह, कार वगैरह सब कुछ मिल जाता है जहाँ पर आपको जाना हो, तो बहुत ही ईजिली यहाँ पर सब कुछ जो है व्यवस्था है। और आपको मैं पेंटिंग दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है जो बनारस की छवि प्रस्तुत करती है, वो आपको हम दिखाते हैं। आपने ये फर्स्ट जर्नी हमारी देखी जो कि अयोध्या स्टेशन से, अपने अयोध्या जंक्शन से रेलवे बनारसी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक आए हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है यहाँ की जो जर्नी है वो, तो अभी तक इसको यहीं पर एंड करते हैं, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।